व्हाट इज पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन किसे कहते हैं, आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास एक हाई एनर्जी का फोटॉन न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन के बाद फिर वो दो पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, एक आपके पास पॉजिट्रॉन होता है और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, मैटर में। इसमें आपके पास क्या होती है, मेटीरियलाइजेशन होती है। मेटीरियलाइजेशन, मेटीरियलाइजेशन का मतलब क्या है कि इसमें आपके पास एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, मास में कन्वर्ट होती है, मैटर में कन्वर्ट होती है, और पार्टिकल्स जो है वो इसमें बन जाते हैं। ये कैसा प्रोसेस है, ये ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें आपके पास एक फोटॉन आपके पास इंटरेक्ट करता है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट होने के बाद वो फोटॉन किस में कन्वर्ट होता है, पैकेट्स में, पार्टिकल्स में। दो पार्टिकल्स हैं, एक आपके पास है पॉजिट्रॉन और एक आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। फोटॉन आपके पास बेसिकली क्या है, फोटॉन आपके पास है पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। और इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी अगर आपके पास ग्रेटर हो या इक्वल हो किसके, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, और फिर ये किसके साथ टकरा जाए, न्यूक्लियस के साथ टकरा जाए, फिर इनसे दो पार्टिकल्स बनेंगे, एक आपके पास पॉजिट्रॉन होगा और एक आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो आप सारे जानते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल। ये सब एटॉमिक पार्टिकल कहां पे होता है, ये आपके पास शेल्स में होता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिट्रॉन जो है वो आपके पास क्या है, ये एंटी पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। इसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, क्या, क्यों, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि पॉजिट्रॉन जो है उसका ओनली साइन जो है वो आपके पास पॉजिटिव है, बाकी इसका जो मास है और इसका जो चार्ज है वो आपके पास किसकी तरह है, इलेक्ट्रॉन की तरह। तो हम पेयर प्रोडक्शन को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक हाई एनर्जी का फोटॉन न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है, उनसे दो पार्टिकल्स पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो फोटॉन आपके पास एनर्जी है और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आपके पास क्या है, पार्टिकल्स। तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, एनर्जी आपके पास मास में कन्वर्ट हो गई, मैटर में कन्वर्ट हो गई।